नमस्ते, आई एम वंदना। वेलकम टू माय चैनल वंदना दुबे होम कुक फूड। फ्रेंड्स, टुडे आई टीच यू हाउ टू मेक द टारा रूट वेजिटेबल। दैट वन इज वेरी यम्मी रेसिपी। आज मैं अरबी की सब्जी बताऊंगी कैसे बनती है, और ये अलग ही तरीके से बता रही हूँ मैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये मेरे भाई की रेसिपी है, उन्होंने मुझे सिखाई थी। दिस रेसिपी इज माई ब्रदर रेसिपी। आई होप एवरी वन लाइक दिस रेसिपी। लेट्स गो, वी टीच यू हाउ टू मेक द टारा रूट वेजिटेबल। सो आई टेक द फ्राई पैन टू कुक दिस तारा रूट वेजिटेबल। हमने एक फ्राई पैन लिया है, आप चाहे तो तवे में, कढ़ाई पे, किसी भी बर्तन में बना सकते हैं इसको। 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1.5 चमचा हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल तो सबसे अच्छा होता है सब्जी बनाने के लिए। द मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर टू मेक द करी एनी वेजिटेबल। एंड 1 टी स्पून कैरम सीड आई एड, 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है, आधी चम्मच हींग डाल रहे हैं, 1/2 टी स्पून एसाफोटिडा, एंड दिस इज द 1/2 केजी तारा रूट ऑलरेडी आई बॉयल। तो हमने 1/2 किलो अरवी ली है और इसको पहले से ही उबाल के रखा है। अरवी उबालते समय ये ध्यान रखें कि ज़्यादा ना उबल जाए अरवी, तो फिर ये सब्जी जो हम बना रहे हैं जिस तरीके से, वो फिर बना नहीं पाएंगे अगर ज़्यादा उबल जाए, उबल गई तो। अब हम इसको मिक्स करेंगे तेल में अच्छे से, और इसमें डालेंगे हम नमक। सो नाउ आई मिक्स विथ दिस स्पाइसेस द कैरम सीड एंड ऑयल, एंड आफ्टर दैट वी एड द सॉल्ट 1.5 टीस्पून। 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिए। इसमें हम बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, ना इसमें प्याज है ना लहसुन है, फिर भी ये इतनी अच्छी लगती है सब्जी, आप एक बार बना के ज़रूर देखें। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है। अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्ची डाल रहे हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इफ़ यू लाइक मोर स्पाइसी देन यू ऐड द मोर, इफ़ यू लाइक लेस स्पाइसी देन यू ऐड द लेस स्पाइस। सो दिस इज़ द कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून। 1/2 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, मिक्स इट। अब हम इनको फिर से मिला लेंगे अच्छे से, मसालों को मिक्स करेंगे। जब मिक्स करें तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये अरबी उबली हुई है, ज़्यादा तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये फिर एकदम मैश हो जाएगी। केयरफुली टू मिक्स दिस वेजिटेबल बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी बॉयल। ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला हम डालेंगे, ये हमारी पक्के तैयार है। ओनली वी कुक 4 to 5 minutes, नॉट मच टाइम टू टेक दिस रेसिपी। आफ्टर दैट वी एड द गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। सो 4 to 5 minutes वी कुक, एंड देन वी एड द गरम मसाला एंड मैंगो पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंगो पाउडर। 1/2 चम्मच हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला है, अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो हम 1/2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इफ़ यू हैव नो मैंगो पाउडर देन यू एड द लेमन जूस ऑल्सो 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून। अब इसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। वेरी क्विक रेसिपी, वेरी ईजी रेसिपी एंड वेरी गुड रेसिपी। आई यूज़ दिस मैसर, द पोटैटो मैसर, एंड वॉट आई डू, आई जस्ट प्रेस लिटिल बिट एंड मेक द फ्लैट द तारा रूट, सो लुक्स नाइस एंड द मसाला गो इन। तो हम इसको मैसर यूज़ कर रहे हैं, पोटैटो मैसर जो रहता है उसको यूज़ करके इसको फ्लैट कर लेंगे। थोड़ा सा हमें फ्लैट करना है, पूरा नहीं। इससे क्या होगा, ये लुक अच्छा आ जाता है अरवी का, और मसाला थोड़ा अंदर तक जाता है। और ये देखिए, हमारी अरवी बनके तैयार है। एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए, ये मेरे भैया की रेसिपी है, उन्होंने मुझे बहुत सारी रेसिपी सिखाई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। दिस इज़ द फ्रेश कोरिएंडर, हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर। दिस इज़ डन, हमारी मसाला अरवी तैयार है। नाउ मसाला तारा रूट वेजिटेबल इज़ रेडी। दिस इज़ द वेरी सिंपल रेसिपी, व्हेन योर गेस्ट और फैमिली इज़ कम देन यू ट्राई, इज़ वेरी यम्मी रेसिपी। जब आपके कोई मेहमान, स्पेशल मेहमान या गेस्ट आए तो आप ये ज़रूर बनाइए, विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक, वेरी वेरी गुड रेसिपी। बिना प्याज बिना लहसुन के ये इतनी अच्छी रेसिपी बनी है, आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। आई होप एवरी वन लाइक दिस सिंपल रेसिपी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।